बिसमिल्ल والسلام रहीदिल्ला رسول रसूल मोहतरम नाजरीन आज इनशा हम क़ुरान करीम की एक छोटी सी सूरत अहद से मुतक़ तीन बातों का तजगरा करेंगे पहली बात ये कि यह सूरत कब नाजिल हुई इसका शान नज़ूल क्या है दूसरी बात यह कि इस सूरत की फ़जीलत क्या है तीसरी बात यह कि इस सूरत का तर्जुमा और मुख्तसर सी तफसीर क्या है तो सबसे पहली बात कि यह सूरत कब नाजिल हुई इसका शान नज़ुल क्या है इस ताल्लुक़ से दो रिवायतों का तजकरा अहादीस की किताबों में मिलता है एक रिवायत वो है जो हज़रत उबई इबन क़ब रज़ी त से मरवी है जिसको इमाम तिरमिदी रहमतल्ला ने तीन हज़ार तीन सौ चौंसठ नंबर पर ज़िक्र फरमाया है जिसका खुलासा यह है कि एक मरतबा मक्के के मश्रकिन अल्लाह के नबी आसलातम के पास आए और उन्होंने कहा कि ए मोहम्मद आप अपने रब का तारफ़ कराइए जिस रब पर आप हमें ईमान लाने की दावत देते हो आप उस रब के बारे में बतलाइए कि वो कौन है तो उनके इस सवाल के जवाब में अल्लाह ताला ने इस सूरत को नाजिल फ़रमाया दूसरी रिवायत वो है जो इबन अब्बास रज़ी तहु से मरवी है जिसको इमाम बैहकी बकीी ने आल्द दो सफ़ा अड़तीस पर ज़िक्र फ़रमाया है जिसका ख़ुलासा यह है कि एक मरतबा कुछ यहूदी अल्लाह के नबी आम के पास आए और कहने लगे या महम्मद सिफ लना रबक अलबा आसक कि ए मोहम्मद आप हमारे सामने अपने उस रब का तारुफ कराइए जिस रब ने आपको नबी बना कर के मबूस फरमाया है चुनाचे उन यहूदियों के इस सवाल के जवाब में अल्लाह ताला ने इस सूरत को नाजिल फ़रमाया ये दो रिवायतें हैं दोनों का मफहूम तकरीबन एक ही है कि यह सूरत उस वक्त नाजिल हुई जब कुछ मश्रकों ने या जब कुछ यहूदियों ने अल्लाह के नबी आ सलातम से ये कहा कि ए महमद आप जिस रब पर ईमान लाने की हमें दावत देते हो उस रब का तारुफ कराइए उस रब के बारे में बतलाइए कि वो रब है कौन चुनाचे अल्लाह ताला ने उनके इस सवाल के जवाब में इस सूरत को नाजिल फ़रमाया और इस सूरत में अल्लाह ताला ने अपना तारुफ़ करवाया ये तो इस सूरत का शान नजूल है दूसरी बात यह कि इस सूरत की फज़ीलत क्या है इस तल्लक़ से हम दो रिवायतें जहन में रखें पहली रिवायत वह है जिसको इमाम तिर मिज़ी रमतल ने एक हज़ार तीन सौ सत्तानवे नंबर पर ज़िक्र फरमाया अबू अबूदरदार रजी अल्लाह फरमाते हैं कि एक मरतबा रसूल सल्ला वसलम ने इरशाद फरमायाजीज़ वहाद्य कर फिलई लुरआन क्या तुम में से कोई एक रात में तिहाई कुरान नहीं पढ़ सकता सहाबा ने कहा एल्ला के रसूल एक इंसान एक रात में तिहाई क़रान कैसे पढ़ सकता है तो आप ही सलात वाम ने इरशाद फरमाया कि कुल अहद कुल्अअल्लाद तादिलसुलसल क़ुरआन के अहद तिहाई कुरान के बराबर है यानी अगर कोई मुसलमान इस छोटी सी सूरत को कुल अहद वाली सूरत को तीन मरतबा पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसको मुकम्मल तीस पारों के यानी एक कुरान करीम के पढ़ने का सवाब इनायत फरमाते हैं दूसरी रिवायत वो है जिसको इमाम तिरमिजी रहमतल्लै ने तीन हज़ार पाँच सौ सत्तावन नंबर पर ज़िक्र फरमाया है जिसका खुलासा यह है कि एक मरतबा हजरत मवाद रजी अल्लाह फरमाते हैं कि हम रात में सख्त अंधेरा था बहुत तेज़ बारिश भी पड़ रही थी आप सलात वसलाम को हम तलाश करने के लिए निकले नमाज़ पढ़ाने के लिए चुनाचे फरमाते हैं हजरत मवाद रजियल्ला त कि मैंने अल्लाह के नबी व सलाम से मुलाकात की तो आपने मुझसे इरशाद फरमाया कि ए मुआद कहो मैंने कुछ नहीं कहा आपने दोबारा फरमाया कहो मैंने फिर कुछ नहीं कहा आपने तीसरी मर्तबा फरमाया कि कहो तो मैंने सवाल किया कि ए अल्लाह के रसूल में क्या कहूँ आपने इरशाद फरमाया कि कुल कुल हुद वलमादी हीन तुमसी वस्बह के ए मुआद हर सुबह को और हर शाम को तीन तीन मरतबा कुल्लु अदकुल बब्बल फलक और कुल अज़ुबिर नास को पढ़ लिया करो अल्लाह ताला हर किस्म की बीमारी से मुसीबत से परेशानी से आफत से आपकी हिफाजत फरमाएंगे। ये इतनी बड़ी फ़ीलत अल्लाह के नबी आसलातम ने इस सूरत की बयान फरमाई तीन दिन पहले हमने सर के दर्द से मुतक कुरान करीम की आयत वाला एक वजीफ़ा अपने चैनल पर अपलोड किया था तो हमारे एक अज़ीज़ हैं इंजीनियर मतलूब अहमद उन्होंने मुझे व्हाट्सअप किया और उन्होंने दरखास्त की कि मुफ्ती साहब शयातीन और जादू की हिफाजत से मुतालिक भी कोई ऐसा वजीफ़ा बतलाना जो कुरान करीम या अल्लाह के नबी व सलाम की अहदी से मुबारक से साबित हो तो हम याद रखें कि इस सूरत की तफसीर में मुफसरन व मुहदसिन ये जुमला लिखते हैं ख़ास तौर पर यह बात हमारे हज़रत मौलाना रियासत अली साहब नवरल्ला मरकद फ़रमाया करते थे कि अगर किसी शख़्स पर जिन्ना तो शयातीन का असर हो या किसी शख्स पर जादू का असर हो तो उसे चाहिए कि वो फजर की नमाज के बाद तीन मरतबा अल्लाहु अहद पढ़ लिया करे तीन मरतबा कुल अग़ु बिरबिल फलक और तीन मरतबा कुल अग़ुल बिरबिननास को पढ़ लिया करे तो इन मगरिब तक और अगर मगरिब के बाद पढ़ लिया करें तो फ़जर तक अल्लाह ताला जन्नात व शयातीन से और जादू वगैरह से उसकी हिफाजत फरमाएंगे तो इसलिए हम इस यकीन के साथ कि अल्लाह ताला ने अपने कलाम की आयतों में शिफा रखी है इन तीनों सूरतों को फजर के बाद तीन तीन मरतबा और मगरिब के बाद तीन तीन मरतबा पढ़ लिया करें इन शर हमारे ऊपर जिन्ना तो शयातीन का या जादू वगैरह का असर होगा तो वो ख़त्म हो जाएगा और अगर कोई कराने वाला होगा तो इन शह उसके जादू का हमारे ऊपर असर नहीं होगा तीसरी बात यह है कि इस सूरत का तर्जुमा और मुख्तर सी तफसर क्या है तो हम इसका तर्जुमा और मख्तसर सी तफसीर समात करें अल्लाह ताली इरशाद फरमाते हैं कुल हुद कि ए महमद आप इन मश्रकों को इन यहूदियों को बतला दो जो ये कहते हैं कि ए मोहम्मद आप अपने रब का तारुफ़ कराइए वो है कौन जिस अल्लाह पर तुम हमें ईमान लाने की दावत देते हो उस अल्लाह का तारुफ कराइए ऐ महम्मद आप इनको बतला दो कि वो अल्लाह अकेला है उसका कोई साजी नहीं है उसका कोई शरीक नहीं है न उसकी ज़ात में कोई शरीक है ना उसकी सिफ़ात में कोई शरीक है आप इनको बतला दो समद, अल्लाह बेनियाज़ है समद की तफसीर में मुफसरन ने लिखा है कि समद उसको कहते हैं कि सारे कामों में हर कोई उसका महताज हो और वो किसी भी काम में किसी का महताज ना हो तो अल्लाह ताला बेनियाज़ है यानी सारी दुनिया हर काम में अल्लाह ताला की महताज है और अल्लाह ताला किसी अदना और मामूली से काम में किसी का महताज नहीं है अल्लाह बेनियाज है लम यलिद व लम यूलद। उसके कोई औलाद नहीं हैं और न वो किसी की औलाद है दरअसल यहूदी कहा करते थे कि उज़ैर अल्लाह ताला के बेटे हैं और ईसाई कहा करते थे कि ईसा व सलाम बिल्लाह अल्लाह ताला के बेटे हैं वकालत उज़ैर इब्नुल्लाह वकालत कुरान ने भी इसका तलकरा किया और मश्रकिन कहा करते थे कि फ़रिश्ते अल्लाह ताला की बेटियां हैं उन्होंने फ़रिश्तों को अल्लाह की बेटियां तसुर किया हुआ था कुरान में भी इसका तजकर है वैजालून बनाती सुबहाना कि ये लोग अल्लाह ताली की बेटियाँ करार देते हैं फ़रिश्तों को कहते हैं कि ये अल्लाह की बेटियाँ हैं तो अल्लाह ताला ने इस सूरत की इस मुख्तर सी आयत में इन तीनों गलत अकीदों की तरदीद फ़रमा दी और फरमाया लम यलिद वलम यूलध कि अल्लाह ताला के कोई औलाद नहीं है और न वो किसी की वो औलाद है आगे फरमाया वलम यकुल्लहू कुफुवन अहद। अल्लाह ताला के बराबर कोई नहीं है यह हमारा अकीदा है हमारा यकीन और हमारा मज़हब है कि अल्लाह ताला सबसे बड़ी ताकत और कुदरत वाले हैं अल्लाह ताला की क़ुत सबसे बड़ी है अल्लाह ताला के बराबर ना उसकी ज़ात में ना उसकी सिफ़ात में कोई है और नयामत तक हो सकता है इसी अक़ीदे और इसी यकीन पर अल्लाह ताला हम सबको पूरी ज़िंदगी क़ायम और दायम फरमाए असलम वरमि वबरक